दिस थियरी रिगार्ड्स डिविडेंड डिसीजन ओनली एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन बिकॉज द अर्निंग अवेलेबल मे बी रिटेन इन द बिजनेस और फॉर री इन्वेस्टमेंट। तो तीन डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड नहीं पे करना और कंपनी में रखना, दैट इज रिटेन अर्निंग करना, ये फाइनेंसिंग डिसीजन चला जाएगा। तो दिस इज ओनली वन फाइनेंसिंग डिसीजन। बट इफ द फंड आर नॉट नीडेड इन द बिजनेस देन इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। कंपनी को कब डिविडेंड नहीं देना चाहिए? क्योंकि तो जब कंपनी को पैसों की जरूरत हो तो रिटेन अर्निंग ज्यादा करना चाहिए, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़ा सा डिविडेंड दे दो, बाकी का अमाउंट कंपनी में रखो क्योंकि फ्यूचर में फाइनेंस की जरूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर अगर कोई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में फाइनेंस की जरूरत नहीं है तो जो भी अर्निंग है वो डिविडेंड के तौर पे दे देना चाहिए। दैट इज द ओपिनियन ऑफ दिस रेसिडुअल अप्रोच। इट मींस ईच पीरियड अ फर्म हैज टू डिसाइड वेदर टू रिटेन इट्स अर्निंग और टू डिस्ट्रीब्यूट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ देम टू शेयर होल्डर एज ए कैश डिविडेंड। सभी साल में एवरी ईयर कंपनी डिसाइड करेगी कि रिटेन अर्निंग करना है या डिविडेंड देना है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए या तो कोई पर्पस के लिए फंड चाहिए तो रिटेन अर्निंग करना चाहिए, और अगर नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में दे दो या तो कुछ पोर्शन डिविडेंड में दे दो। एज लॉन्ग एज देर आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फर्म विल रिटेन। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो रिटेन अर्निंग करना चाहिए, अदरवाइज विल बी डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर, अदरवाइज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ जेसी वैन हॉर्न, इफ द डिविडेंड पॉलिसी इज स्ट्रिक्टली अ फाइनेंसिंग डिसीजन देन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अ पैसिव रेसिडुअल। The passive residual nature and wide fluctuation makes dividend policy irrelevant and investor become indifferent between dividend payout ratio and retained earning. On the contrary, investors opt to take dividend if the firm's rate of return is below than the expectation or below the market level. तो पॉइंट हमें ये बता रहा है कि कंपनी को अगर कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कम है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अर्निंग होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, अगर कंपनी का कम है, इफ कंपनी इज अर्निंग लेस देन इट शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। रिटेन अर्निंग की जगह पे डिविडेंड देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इट इज अर्निंग लेस, इट्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज लेस, सो इट शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। On the contrary, investors opt to take dividend in the firm if the rate of return is below than the expectation or below the market level. If the firm's rate of return is more than the expected or above market average return, a shareholder will prefer to retain earning. देखो, रिटेन अर्निंग हम क्यों करते हैं? ताकि वो अमाउंट कंपनी में रहे और कंपनी उसको कहीं पे इन्वेस्ट करे। शेयर होल्डर आर द ओनर्स, ओनर्स को पता है कि अगर हम रिटेन अर्निंग करने देंगे और अगर कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है तो वो जो डिविडेंड में उनको अमाउंट नहीं मिला है वो कहीं पे इन्वेस्ट होगा और उनको ही बेनिफिट होगा फ्यूचर में। सो इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज गुड, कंपनी जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करती है वहां से उसको ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है तो रिटेन अर्निंग करना चाहिए। पर अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट में से जो रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है तो कंपनी को क्या करना चाहिए? जो प्रॉफिट हुआ है शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दे देना चाहिए बिकॉज कंपनी इज नॉट गेटिंग गुड रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। सो इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग द प्रॉफिट, कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। दस अ फर्म शुड रिटेन द अर्निंग इफ द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, अदरवाइज इट शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। दिस इज द ओपिनियन रेसिड्यूअल अप्रोच, जिसमें हमें बताया गया है कि रिटेन अर्निंग इज द फाइनेंसिंग डिसीजन,
फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिसाइड करते हैं फ्रॉम वेयर टू कलेक्ट फंड, इक्विटी शेयर से, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, या तो रिटेन अर्निंग करके. सो रिटेन अर्निंग का अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन है, ना कि डिविडेंड डिसीजन. अच्छा, क्रिटिसिज्म इस थियरी का दिया है. द अप्रोच में बी क्रिटिसाइज बाय टेकिंग द डेटा ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर वन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. यहां पे लॉन्ग पीरियड की बात की है. इफ द फर्म अग्री टू रिटेन 75% ऑफ अर्निंग, मतलब खाली 25% डिविडेंड देना है, 100 रुपया में से 75 रुपीज कंपनी अपने पास रखेगी, 25 लोगों को डिविडेंड में दे देगी. तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज बाय 20% ईच ईयर. लेट अस सी द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर का पॉइंट और कंपनी का व्यू पॉइंट. अब इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं. ग्रोथ रेट अगर आपको मेजर करना है तो कैसे करना है. अगर ग्रोथ रेट मेजर करना है तो उसके लिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी को मल्टीप्लाई करना है रिटेन अर्निंग से. जैसे अभी हमने एक इलस्ट्रेशन लिया था, इसमें देखो एक ग्रोथ रेट बताया 5%. 5% ग्रोथ रेट कैसे आया, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी है और 25% उन्होंने रिटेन अर्निंग किया है. 75% डिविडेंड दे दिया तो बाकी का 25% रिटर्न अर्निंग हुआ. उसको मल्टीप्लाई कर दो आप रिटर्न ऑन इक्विटी से तो 5% रिटर्न मिल रहा है. अगर 25% डिविडेंड पे करते हो तो 75% रिटर्न अर्निंग रहेगा. तो 75% को 20% रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दो तो 15% का होगा. तो यहां पे ऐसा हो रहा है कि ज्यादा रिटर्न अर्निंग करने से, 25 से 75% रिटर्न अर्निंग करने से ग्रोथ रेट 5 से 15% हो रहा है. तो अगेन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट, व्हाट वी हैव टू डू, ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको रिटेन अर्निंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिटर्न ऑन इक्विटी से. कहीं पे फॉर्मूला होगी बता देता हूं. ओके, द फ्यूचर ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म इज द प्रोडक्ट दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग. तो कंपनी का अगर ग्रोथ फाइंड करना है तो रिटेन अर्निंग को मल्टीप्लाई करो रिटर्न ऑन इक्विटी से. अब यहां पे लॉन्ग पीरियड के डेटा आपको दिए हुए हैं, दोनों अप्रोचेस दिया है, कंपनी का अप्रोच और शेयर होल्डर का अप्रोच. अर्निंग पर शेयर आपको फर्स्ट ईयर में दिया है 10, जो अभी हमने काउंट किया था फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में. दो चीजें बताइए, एक तो डिविडेंड पे आउट रेशियो है और रिटेन अर्निंग है. यहां पे भी वही चीज है, अर्निंग पर शेयर, पर ये शेयर होल्डर का ओपिनियन है. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड रिटेन अर्निंग, और लास्ट में दोनों में ग्रोथ रेट बताया हुआ है. बहुत सिंपल है, खाली वो फॉर्मूला आपको याद रखना है. रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय रिटेन अर्निंग. तो चलो, अर्निंग पर शेयर 10 है. कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं पहले. अब मान लो कंपनी ने 10 में से 25% डिविडेंड देना चाहा तो 10 का 25% 2.5 हो जाएगा, बाकी के 7.5 रुपया रिटेन अर्निंग हो जाएगा. अगर मुझे यहाँ पे ग्रोथ रेट फाइंड करना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो 20% है उस 20% के साथ मल्टीप्लाई करना है. उस क्वेश्चन में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 20% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया था.
if I multiply 20% रिटर्न ऑन इक्विटी विद दिस रिटर्न अर्निंग, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7.5 मतलब 75%, 75% इंटू 20%, तो आपको मिलेगा 1.5। ये हो गया कंपनी का ओपिनियन। अब शेयर होल्डर का ओपिनियन, 10 रुपया अर्निंग पर शेयर है, वही एग्जाम्पल है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है समझाने के लिए। अब देखो कंपनी डिविडेंड 25% देगी, वो कंपनी का पॉइंट है। अब इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे हैं डिविडेंड 75% दो, तो 10 का 75% 7.5 रुपया हो जाएगा, तो रिटेन अर्निंग होगा 2.5। अब आप यहां पे 20 को, मतलब जो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% वो सब जगह पे सेम रहेगा, 20%, 20% को रिटेन अर्निंग से मल्टीप्लाई करो 25% से, तो 20% इंटू 25% इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.5, ग्रोथ रेट होगा 0.5 से। इस शेयर होल्डर का ओपिनियन अगर ध्यान में लेते हो तो ग्रोथ रेट कम होगा, कंपनी का अगर ओपिनियन लेते हो तो ग्रोथ रेट ज्यादा होगा 1.5। कंपनी बोल रही है डिविडेंड कम देना है, रिटेन अर्निंग ज्यादा करना है, शेयर होल्डर तो ऑलवेज डिविडेंड ज्यादा मांगेंगे, डिविडेंड ज्यादा चाहिए, रिटेन अर्निंग कम करना है, इसकी इफेक्ट ग्रोथ रेट पे आप देख सकते हो। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। अब इसको आप ऐड कर दो, अर्निंग पर शेयर अब बढ़ जाएगा। तो देखो ओरिजिनल 10%, 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर था, ग्रोथ रेट 1.5 से बढ़ जाए, अभी कंपनी वाले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, तो 1.5 उसमें आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 1.5 एंड 10, 11.5 अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बढ़ा। सामने की बात करें शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट, तो 10% था उसमें 5%, 0.5 ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 10.5, तो सेकंड ईयर में हम आ चुके हैं। अब फिर से वही वही चीज, 11.50 का अगर आप 25% लो तो वो डिविडेंड पे आउट रेश्यो मिलेगा 2.88। बाकी की जो अमाउंट है 11.50 में से 2.88 माइनस कर दो, या तो डायरेक्ट 75% फाइन करो तो 8.62 आएगा, यहाँ 3 लिखा है 2 आएगा, तो ये अमाउंट आप फाइन कर सकते हो, 11.50 का 25%, 11.50 का 75%, सेम वे हियर 10.50 का 75% होगा 2.63, और बाकी का 7.82 या 81 यहाँ पे आएगा। ग्रोथ रेट अब मेजर करेंगे हम, ग्रोथ रेट कैसे मेजर करना है, जो भी आपका रिटेन अर्निंग है उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है 20% से, तो कंपनी के व्यू पॉइंट में आएगा 1.73 का ग्रोथ रेट, यहाँ पे आएगा 1.58 का, दोनों जगह पे ग्रोथ रेट आप देख सकते हो। अब इस ग्रोथ रेट को हम ऐड कर देंगे, अब 11.50 में 1.73 ऐड कर दिया तो 13.23 हो जाएगा, यहाँ 10.50 में 1.58 ऐड कर दिया तो 12.8 हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस, 13.23 का 25%, 13.23 का 75% काउंट करोगे आपको ये अमाउंट मिलेगा, फिर ग्रोथ रेट मेजर करेंगे 20% इंटू रिटेन अर्निंग, तो 1.98 आपको मिलेगा, यहाँ पे 1.81, जिसको नेक्स्ट में ऐड करते जाना है। मतलब इस तरीके से लॉन्ग टाइम का अगर आप डेटा काउंट करोगे तो लॉन्ग रन में आप देखोगे कि कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर हम सोचते हैं डिविडेंड कम देना है, रिटेन अर्निंग ज्यादा करना है, तो 5.28% का ग्रोथ हो रहा है। शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से देखते हैं ज्यादा डिविडेंड देना है, रिटेन अर्निंग कम करना है, तो वो 4.82 के पास आ रहा है,
मोर और लेस दोनों 5% के आसपास आ रहे हैं। आगे के सालों का भी कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से दिया हुआ है, 15 सालों का कैलकुलेशन दिया है। यहाँ पे ग्रोथ रेट 10.61 हो रहा है, यहाँ पे 9.69 हो रहा है, 1% का शायद डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो, डिविडेंड ज्यादा दो या डिविडेंड कम दो, ग्रोथ रेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। यहाँ 10% है, यहाँ 9% है, मोर और लेस बोथ आर नियर। सो फ्रॉम द अबाउट टेबल इट इज क्लियर दैट डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट मैटर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा लॉन्ग रन में। सो डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट, दिस इज द रेसिडियल अप्रोच। दोनों के ओपिनियन देखे हमने, ग्रोथ रेट फाइंड किया और हमने कंक्लूजन किया कि शेयर होल्डर का जो ओपिनियन है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इररिलेवेंट, जो कुछ हद तक सही हो रहा है, ग्रोथ रेट पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा होता कि डिविडेंड कम दिया होता और रिटेन अर्निंग ज्यादा किया होता और यहाँ पे 20% हो जाता मान लो, और यहाँ पे 10%, तो हम मान जाते कि नो देर इज ए इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो दिस इज द ओपिनियन ऑफ रेसिडुअल थियोरी। सिमिलर टाइप ऑफ अप्रोच इज गिवन बाय द मोदी ग्लियानी एंड विलर अप्रोच, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, इनका भी यही अप्रोच है। डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट, इट डज नॉट अफेक्ट। एंड फॉर दैट दे हैव डेवलप्ड वन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वॉज टेकन इन द लास्ट क्लास। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम फॉर्मूला, पी जीरो मीन्स द प्राइस ऑफ शेयर एट प्रेजेंट, डी वन मीन्स द डिविडेंड विच वी आर गोइंग टू बी आफ्टर 1 ईयर, पी वन मीन्स द प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 1 ईयर, 1 प्लस के ई, के ई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसी फॉर्मूला को आगे लेके जाके हम फ्यूचर की प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे पी वन फाइंड करना है तो क्या करना है, पी वन फाइंड करना है, पी जीरो को K1 प्लस KE से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और डी वन जो मेरे को दिया हुआ है प्लस के साथ वो सामने ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो पी वन आपको मिल जाएगा प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर 1 ईयर। इस फॉर्मूला को ही थोड़ा आगे ले गए, द न्यू फंड रिक्वायर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड मे बी ऑब्टेन बाय इश्यूइंग न्यू शेयर्स एट पी वन प्राइस एंड रेजिंग द फंड इक्वल टू MP1 एट द एंड ऑफ द पीरियड। एम क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स जो आप इश्यू करोगे, पी वन उसकी प्राइस है शेयर की। तो अगर आपको मार्केट में से नया फंड चाहिए तो पी वन प्राइस से जो न्यू प्राइस है उस प्राइस से जितने भी शेयर आपको इश्यू करने हैं वो एम है उससे साथ मल्टीप्लाई करो, वो अमाउंट कलेक्ट कर पाओगे। एम का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स। इसको कैसे आप बता सकते हो, तो उसी को आगे बताया हुआ है, पी जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस KE, एन डी वन प्लस एन प्लस MP1 माइनस MP1। फॉर्मूला को समझते हैं, दिखने में बहुत हार्ड है कुछ नहीं इसमें, अभी आपको थोड़ी देर में सिंपली समझ में आ जाएगा। पहले जो वर्ड्स दिए वो समझो, पी जीरो क्या है, यहाँ पे द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग द पीरियड, पी जीरो इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल डिविडेंड पेड एट द टाइम, पी वन प्लस द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द स्टॉक आउटस्टैंडिंग एट द टाइम, पी वन,
less total value of new stock issued. The total number value of the new stock can be calculated as shown in the below formula. MP1, required fund at the end of the period in equal number of shares. MP1 का मतलब है the fund which you require. मान लो P1 की वैल्यू 10 है, P1 का वैल्यू 10 है मान लो, और मुझे 1 लाख रुपया कलेक्ट करना है, तो M आएगा 10,000, 10,000 × 10, तो 10,000 आएगा, तो 1 लाख रुपया कलेक्ट होगा. दूसरा एग्जांपल, मान लो P1 आपका 20 है और मुझे 2 लाख रुपया कलेक्ट करना है, तो M आएगा 10,000, 10,000 × 20, तो 2 लाख रुपया कलेक्ट होगा. तो MP1 से हमें क्या मिलेगा? MP1 से हमें मिलेगा रिक्वायर्ड फंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर. I इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. I इंडिकेट्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. E इंडिकेट्स टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म. ND1 इंडिकेट्स टोटल डिविडेंड पेड. जो भी अर्निंग हुआ है उसमें से जो डिविडेंड पे किया है वो ND1 है. E-ND1 अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग. सिंपल है, अगर आपके पास 100 रुपये का अर्निंग है, 100 रुपीज का आपका अर्निंग है, उसमें से आपने कितना डिविडेंड पे कर दिया? मान लो मैंने 80 रुपया डिविडेंड पे कर दिया, 80 रुपीज डिविडेंड पे कर दिया है मैंने, तो बाकी का जो 20 है वो रिटेन अर्निंग है. फॉर्मूला कंफ्यूज कर दिए बट है सिंपल, आपका जो अर्निंग है उसमें से आपने कितना डिविडेंड दे दिया, तो बाकी बचेगा वो होगा आपका रिटेन अर्निंग. अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, मान लो मैं बता देता हूँ 5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें से आप माइनस कर दो, आपका रिटेन अर्निंग मान लो 20,000 आ रहा है, या तो सिंपल मैं आपको 2 लाख बता देता हूँ, चलो 2 लाख का आपका रिटेन अर्निंग है, 5 लाख की आपको जरूरत है, रिटेन अर्निंग 2 लाख आ रहा है ऊपर की फॉर्मूला से, तो अब हमें कितने की जरूरत है? 3 लाख की जरूरत है, तो 3 लाख की जरूरत है, जो मार्केट प्राइस होगी P1, उसको ध्यान में रखे हम कितना शेयर इश्यू करेंगे वो फाइंड कर पाएंगे. मान लो ये 10 रुपया है, तो 10 रुपया है तो 30,000 शेयर इश्यू कर देंगे, 30,000 × 10, तो 3 लाख आपको मिल जाएगा. तो कितना शेयर इश्यू करना है P1 प्राइस से वो आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. एक्सरसाइज से आपको समझ में आएगा, अभी फॉर्मूला समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, अभी हम एक दो एक्सरसाइज ले लेंगे, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. चलो एक्सरसाइज लेते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं. आप इस एक्सरसाइज को पढ़ो पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपको दिया है उसको समझते हैं. एक्स कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स इन एन इंडस्ट्री विच कैरी रिस्क एट द रेट ऑफ 12%. तो 12%, द कंपनी करंटली हैज शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जिसको हमने 5,000 शेयर 100 रुपए का उसका फेस वैल्यू है, 100 × 5,000, तो 5 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल कंपनी के पास अभी है. द कंपनी वॉन्ट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹10 per share. डिविडेंड कंपनी 10 रुपया देना चाहती है. द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव नेट इनकम ऑफ 6 लाख, उसकी आने वाली इनकम 6 लाख की है. द हैज प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख. 10 लाख का नया इन्वेस्टमेंट भी कंपनी को करना है. आपको पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो वेदर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म और नॉट अंडर द मोदी ग्लियानी मिलर अप्रोच. लेट अस सी द फिगर्स. द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज वेदर द वैल्यू ऑफ फर्म इज अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड. अगर डिविडेंड पे करते हैं तो, और अगर डिविडेंड नहीं पे करते हैं तो. मोदी ग्लियानी का अप्रोच जो फॉर्मूला है उससे हमें देखना है.
क्वेश्चन में जो फिगर्स दिया है, तो करंट वैल्यू ऑफ शेयर जो जिसको हम P0 बोलेंगे, 100 रुपए का एक शेयर है, अभी उसकी प्राइस 100 रुपीज है, ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिविडेंड 10 रुपया देना है, कंपनी का अर्निंग 6 लाख रुपीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कंपनी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। रिस्क मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%। फॉर्मूला हमारे पास था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, मोदी कल्याणी मिलर का अप्रोच वाला फॉर्मूला, एंड वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर डिविडेंड इज पेड एंड नॉट पेड, विल इट अफेक्ट। ये ऐसा एक्सरसाइज लास्ट क्लास में मैंने लिया था, ये फिर से एक दूसरा एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो चलो, हमें फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज P1। कैसे फाइंड करेंगे? P0 मल्टीप्लाई बाय 1+K माइनस D1। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो ये रहा ऊपर वाला फॉर्मूला ही सिंप्लीफाई किया, जो मैंने आपको एरो करके बताया। अगर मुझे P1 फाइंड करना है तो P0 को 1+KE से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये प्लस के साथ है D1, तो सामने ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। D1 डिविडेंड है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, P0 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर या तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर अभी का है, और P1 एक साल के बाद शेयर की जो प्राइस होगी वो दिया हुआ है आपको। लेट अस चेक। एक ऑप्शन आपको दिया है कि डिविडेंड पे किया, और एक ऑप्शन है डिविडेंड पे नहीं किया, तो क्या इफेक्ट होगी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे? लेट अस टेक, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो P1 फाइंड करना है, P0 आपको 100 दिया है, 1+KE 1+0.12 आएगा क्योंकि 12% का रिस्क फैक्टर दिया है, माइनस डिविडेंड 10 रुपया। क्वेश्चन में दिया है कि डिविडेंड कंपनी 10 रुपया देना चाहती है, ये रहा 10 रुपया डिविडेंड, D1 10 रुपीज। फॉर्मूला को आप सॉल्व करोगे, 100 × 1.12 -10, तो आपका आंसर आएगा 102 रुपया। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो ये 10 रुपया नहीं आएगा, तो बाजू वाली फॉर्मूला में आप देखो वही चीज है, डिविडेंड नहीं दिया इसलिए 0 रखा, तो वैल्यू आएगी 112। तो एक साल के बाद अगर डिविडेंड देते हैं तो 102 रुपया वैल्यू आ रही है, नहीं देते हैं तो 112 आ रही है। उस फॉर्मूला को यूज करके दे हैव डेवलप वन फॉर्मूला। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, जो इन्वेस्टमेंट उनको करना है उसके लिए कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना मतलब उसको M बोला है, M इज द नंबर ऑफ शेयर्स, I मतलब उनको जो इन्वेस्टमेंट करना है, माइनस E माइनस ND1, इससे हमें रिटेन अर्निंग मिलेगा, कितना रिटेन अर्निंग हुआ है वो मिलेगा हमें, इससे अर्निंग में से डिविडेंड माइनस कर दो तो रिटेन अर्निंग मिलेगा, डिवाइडेड बाय P1। ये फॉर्मूला अभी आपको मैंने यहां बताया था वही है, कोई नई फॉर्मूला नहीं है ये वाला फॉर्मूला। अगर MP1 फाइंड करना है तो इन्वेस्टमेंट माइनस दिस। ओके, सॉल्व करते हैं। चलो, इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 10 लाख, दोनों जगह पे 10 लाख लिख दिया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, ये हमारा अमाउंट रिक्वायर्ड है। अब ये रिटेन अर्निंग मिलेगा, जब डिविडेंड पे करते हैं तब वाला देखते हैं पहले। 6 लाख का अर्निंग है, उसमें से डिविडेंड देंगे जितने भी शेयर होल्डर है। अब शेयर होल्डर कितने हैं? 5,000। क्वेश्चन में दिया है आपको स्टार्टिंग में कि कंपनी के पास 5,000 शेयर है, तो 5,000 × 10, क्योंकि 10 रुपया डिविडेंड देना है, तो 5,000 × 10 तो 50,000 रुपीज का डिविडेंड चला जाएगा। 6 लाख में से 50,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 5,50,000। ये थोड़ा करेक्शन होगा यहाँ पे, 6 लाख माइनस 50,000 तो 5,50,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 102 करोगे तो आपको इससे आंसर मिलेगा कि कितना शेयर इश्यू करना पड़ेगा। सेम भी हियर, अब यहाँ पे डिविडेंड नहीं देना है तो 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं देंगे हम, डिविडेंड वी हैव नॉट टू गिव, तो 6 लाख माइनस 5,000 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो
6 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये थोड़े करेक्शंस है, यहाँ पे 112 आएगा, यहाँ पे भी 112 आएगा, तो ये आंसर आपका आएगा 6 लाख इंस्टेड ऑफ 4 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 112, तो इससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगी। वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म, सो द फॉर्मूला विच वाज गिवन अर्लियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म, दिस फॉर्मूला। और ये सही था शायद, वो करेक्शन, इट वॉज करेक्ट। 10 लाख माइनस दिस 6 लाख माइनस 5 लाख 50, 10 लाख में से 5,50,000 माइनस हो गए तो 4,50 होगा, सही है, प्रिंटिंग नहीं है, मिस्टेक नहीं है। 10 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो 4 लाख आएगा, देर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक, इट वॉज माई मिस्टेक। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है और ये रिटर्न अर्निंग मिलेगा, 6 लाख में से 50,000 डिविडेंड दे दिया तो हमारे पास रिटर्न अर्निंग बचेगा 5.5 लाख, 10 लाख में से 5.5 लाख रुपया वो कर दिया तो 4.5 लाख रुपये का हमें रिक्वायरमेंट है, शेयर की प्राइस से उसको डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। यहाँ पे 10 लाख की जरूरत थी, उसमें से 6 लाख रुपीज पूरा का पूरा रहेगा रिटेन अर्निंग, तो बाकी के 4 लाख की जरूरत पड़ेगी, उसको आप 1,112 टू से माइनस, खाली ये 110 वाला करेक्शन था। अब सबसे पहले दोनों में देखो 5,000 शेयर लिया है, 5,000 शेयर एम, ये एम है एम, उसको मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ शेयर से, ऊपर वाली फॉर्मूला वाला आंसर जो आएगा ये इसका आंसर आएगा, वो मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली फॉर्मूला का आंसर, इंटू 102 माइनस इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख प्लस रिटेन अर्निंग आपका 6 लाख, होल्ड इज डिवाइडेड बाय 1 + KE 1.12, दोनों में इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फॉर्म, यहाँ पे 5 लाख आ रहा है